क्योंकि जब सीमन निकलता है एक दो तीन चार पांच झटकों से तो आदमी की इंजॉयमेंट और ऑर्गेज्म बढ़ जाता है। पोर्न देख के लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जब डिस्चार्ज हो तो औरत पूरे सीमन से भीग जाए, पर अगर आपका सीमन वॉल्यूम कम हो गया है, चिपका चिपका आ रहा है, बार बार पूरा आता नहीं है, क्वांटिटी कम है, ड्रिप करता है, पूरे फोर्स से नहीं आता, उसमें स्पर्म मर गया, पस सेल आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब खराब सीमन है। क्या पांच चीजें हैं जो आप कर सकते हैं आज से जिससे आपका सीमन अच्छा हो जाएगा? और सबसे पहला है 15 डेज के यूज के बाद कि इतना गाढ़ा और इतना थिक तो आज तक नहीं आया। 1 ml सीमन बनाने में शरीर को 90 दिन या 3 महीने का टाइम लगता है। यस, गाढ़ा सीमन मतलब कि आपका वीर्य जब बाहर निकले, जब डिस्चार्ज निकले, तो हर कोई चाहता है कि वो एकदम गाढ़ा मतलब थिक, एकदम मक्खन जैसा हो, अच्छी क्वांटिटी में निकले। क्योंकि जब सीमन निकलता है एक दो तीन चार पांच झटकों से तो आदमी की इंजॉयमेंट और ऑर्गेज्म बढ़ जाता है। कई मर्द चाहते हैं कि उनका सीमन बहुत सारी क्वांटिटी में निकले, उनका सीमन एकदम गाढ़ा हो और एकदम शूटिंग करके निकले, मतलब जब वो डिस्चार्ज हो तो एकदम दूर तक निकले। और ये नॉर्मली पोर्न देख के लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि बके की मतलब कि जब डिस्चार्ज हो तो औरत पूरे सीमन से भीग जाए। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट, और मैं हूँ एक MBBS MS MCH दिल्ली मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट, जिसने एंड्रोलॉजी में 13 साल का एक्सपीरियंस रखा है, पढ़ाई करी है। और आज हम जो बात करेंगे आपसे ये प्रॉपरली साइंटिफिक है, साइंस से जुड़ी है, रिसर्च बेस्ड है, और आपको कभी भी हमारे चैनल पे कोई भी गलत सलाह, गलत एडवाइस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसी वादे के साथ हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सीमन का कलर क्वांटिटी क्या होती है और अपने सीमन को बेटर करने के 5 तरीके। तो सीमन बेसिकली होता है वो सफ़ेद पानी जो आपके लिंग से निकलता है उत्तेजना के चरम सीमा पे ऑर्गेज्म के होने के बाद। ये सफ़ेद पानी के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है पानी जो उसके अंदर लिक्विड पन लाता है। दूसरा होता है म्यूकस, म्यूकस होता है जो लिंग के अंदर के सारे ऑर्गन्स बनाते हैं, म्यूकस मतलब लेस जो उसको चिपचिपा करता है ताकि जो स्पर्म है वो फिसल जाए और स्पर्म आराम से अपने डायरेक्शन तक पहुंच जाए। तीसरा होता है सफ़ेदी, जिसको लेसेथिन भी बोलते हैं और फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता है स्पर्म का खाना, वो स्पर्म मतलब शुक्राणु ने लिंग के बाहर 3-4 दिन योनि में रहना है तो उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए फैट्स लेसेथिन फ्रुक्टोज बॉडी बनाती है ताकि वो स्पर्म उस पर पौष्टिक आहार ले सके और अपना काम कर सके। और चौथा होता है स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु जो इस मिक्सचर में करोड़ों की मात्रा में होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद बच्चा पैदा करने के लिए योनि में जाते हैं और अंडे तक जाते हैं, इसको बोलते हैं सीमन। और ये सही बात है, हमारे पुराने शास्त्रों में और लिखा है कि 1 ml सीमन बनाने में शरीर को 90 दिन या 3 महीने का टाइम लगता है। यस, स्पर्म बनाने में बॉडी को 3 महीने का टाइम लगता है। और अगर आप अपने सीमन को वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सीमन बनाने में टाइम लगता है। और ये सारा जो पौष्टिक पार्ट है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिएंट्स से ही सीमन में आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई बॉडी अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। आप जब गुड फैट्स लेते हैं, आप जब अच्छे डाइट लेते हैं, जब आप अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं, जब आप अपने सीमन को होल्ड करते हैं, जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, तो ही ये सीमन जो है ये एक अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छे कलर में और एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ बनता है। नॉर्मल आदमी का सीमन जो है वो 3 से 5 ml, मतलब 3 ml कम से कम और 5 ml, एक वाइट कलर का और अच्छी कंसिस्टेंसी का, जिसके अंदर 15 millions per ml से ऊपर स्पर्म होते हैं, जिनकी 50% मोटिलिटी होती है और जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, ये एक अच्छा सीमन मानते हैं। और उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसमें कोई पससेल ना हो, उसके निकलने से कोई जलन ना हो, दर्द ना हो, उसमें से कोई बास ना आए, कोई स्मेल ना आए, तब कहते हैं कि हाँ ये एक अच्छा हेल्दी सीमन है। पर अगर आपका सीमन वॉल्यूम कम हो गया है, चिपका चिपका आ रहा है, बार बार पूरा आता नहीं है, क्वांटिटी कम है, ड्रिप करता है, पूरे फोर्स से नहीं आता, उसमें स्पर्म मर गया, पस सेल आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब खराब सीमन है। और इसके कई कारण होते हैं, पर उसमें से एक कारण यस मास्टरबेशन भी हो सकता है। पर अगर आज आपका सीमन खराब है, आपके सीमन का क्वांटिटी लोड कम है, आपके सीमन में कलर चेंजेस है, आपके सीमन में करेक्टर अच्छा नहीं है, तो क्या पांच चीजें हैं जो आप कर सकते हैं आज से जिससे आपका सीमन अच्छा हो जाएगा? और सबसे पहला है स्टॉप मास्टरबेशन, यस, नो फैप। आप आज से हिलाना, अपने आप को डिस्चार्ज करना हाथ से बंद कर लीजिए। अगर आप सीमन में मास्टरबेशन बंद करेंगे तो आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपका न्यूट्रिशन बढ़ेगा, आपकी कोर्टिसोल लेवल्स कम होंगे, आपका बॉडी रिलैक्स रहेगी और आपका सीमन को तैयार होने का, आपके सीमन को इकट्ठा होने का टाइम मिलेगा। जो लोग रेगुलरली मास्टरबेशन करते हैं वो पाएंगे कि उनका सीमन वॉल्यूम प्रोग्रेसिवली डेली कम होता चले जाता है। और अगर आप 10 दिन पे, 12 दिन पे, 15 दिन पे डिस्चार्ज कर रहे हो तो आप पाएंगे आपका सीमन वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगा। सेकेंड, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी। सीमन इज 80% to 85% वाटर। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपका पेशाब तो गंदा बदबूदार आएगा ही आएगा, आपका सीमन वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो अच्छी मात्रा में पानी लेना, हाइड्रेशन 3.5 से 4 liters पानी डेली लेंगे तो आपका सीमन का क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर हो जाएगा। थर्ड, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप अल्कोहल।
स्मोकिंग करेंगे, शराब पियेंगे, तो बाकी ऑर्गन्स तो खराब हो गए होंगे। एक ऑर्गन जो खराब होगा वो है आपका प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट में बनता है सीमन, प्रोस्टेट में बनता है लेसिथिन, प्रोस्टेट में बनता है फ्रुक्टोज, जो आपके स्पर्म का है खाना। तो ये एक्टिविटी बंद करिए, आप देखेंगे कि आपका वॉल्यूम, कलर, कैरेक्टर अच्छा होता जा रहा है। चौथा, कीगल एक्सरसाइजेस। जब आप कीगल्स करते हैं, अपने प्रोस्टेट की मसाज करते हैं, जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं, अपने ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, जब कीगल्स करते हैं प्रोस्टेट को हेल्दी करते हैं, कीगल्स करते हैं टेस्टिस को हेल्दी करते हैं, वेरिकोसील को ठीक करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली डायरेक्ट असर आपके सीमन क्वांटिटी, सीमन कलर और फोर्स ऑफ डिस्चार्ज पे पड़ता है। तो चौथा है कीगल्स। और पांचवा है बोनस, वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। दो सप्लीमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली, ऐसे बहुत सारे हैं पर हम बात करेंगे आज सिर्फ दो की, और वो है एल कार्निटिन और जिंक। एल कार्निटिन और जिंक आपके स्पर्म पैरामीटर्स, आपके सीमन पैरामीटर्स को इतना अच्छा इंप्रूव करेंगे कि आप बोलेंगे 15 डेज के यूज के बाद कि इतना गाढ़ा और इतना थिक तो आज तक नहीं आया। बहुत सारे डायटरी मॉडिफिकेशंस भी है, बहुत सारी और भी दवाइयां हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात की हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यस कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा और इतनी अच्छी साइंटिफिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आप तो फायदा उठाओ, आपके बाकी फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठाए। पर ये पांच चीज़ें, कीगल्स, स्टॉप स्मोकिंग, पानी, स्टॉप मास्टरबेशन और जिंक एल कार्निटिन स्टार्ट करिए, और 15 डेज में आपका डिस्चार्ज वाइट, ग्लोइंग, हेल्दी आप खुद पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। नमस्ते, डॉक्टर गुप्ता की तरफ से। हेल्थ, इफ यू आर लुकिंग टू ऑप्टिमाइज योर वाइटैलिटी एंड परफॉर्मेंस, visit our website at drvijayantgovinda.com. We offer a range of products curated by certified experts like myself.